स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्कॉर्पियन है, वृश्चिक जिसे हम बिच्छू कहते हैं। आयुर्वेद में वृश्चिक विष जंगम इसमें रखा गया है और आधुनिक में ये एनिमल इरिटेंट पॉइजन कहलाता है। वृश्चिक का जो वर्णन आया है वो सुश्रुत संहिता कीट कल्प अध्याय 8 में 53 से 66 तक का श्लोक है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में विष चिकित्सा में इसका वर्णन आया है और अस्त्रांग संग्रह उत्तर स्थान अध्याय 43 में 23 से 25 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन आया है। स्कॉर्पियन जो होता है मॉडर्न में यदि हम देखें तो स्कॉर्पियन लॉन्ग फ्लैशी 5 सेगमेंटेड 8 लेग्ड टेल लाइक पोस्टीरियर एंडिंग इन अ ब्रॉड सैक एंड हॉलो स्टिंग कलर वेरीज फ्रॉम लाइट येलो टू ब्लैक होता है। इसका जो बॉडी होती है वो फ्लैशी होती है, मांसयुक्त होती है, 5 सेगमेंट में बटा हुआ होता है, 8 इसकी टांगे होती हैं, पीछे का एंड पूंछ जैसा होता है जैसा कि हम देख रहे हैं, टेल लाइक एंडिंग होती है, उसमें ब्रॉड एक सैक होता है और उसमें एक हॉलो स्टिंग होती है और इसी स्टिंग से वो वाइट करता है। जब वो डंक मारता है तो जो वेनम होता है वो जिसको बाइट करता है उसमें इंजेक्ट हो जाता है। वृश्चिक में स्कॉर्पियन में जो वेनम है कम मात्रा में इंजेक्ट हो पाता है, इसलिए इसमें मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर कम होती है और कलर जो इसके लाइट येलो से लेकर के ब्लैक कलर तक के बिच्छू मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में आयुर्वेद में हम देखें तो उन्होंने मंद विष, मध्यम विष और तीक्ष्ण विष ऐसे 3 प्रकार के वृश्चिक बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, वाग्भट ने। तो जो मंद विष वाला बिच्छू होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? मंद विष वाले बिच्छू की उत्पत्ति गोबर के सड़ जाने से होती है। मध्यम विष वाले बिच्छू की उत्पत्ति काष्ठ, लकड़ी और ईंट आदि के पोत अर्थात सड़ जाने से होती है और तीव्र विष वाले की मृत सर्प के कोष से उत्पन्न होते हैं। आकृति भेद से जो है वृश्चिक है उनके 30 प्रकार बताए गए हैं, आचार्य गयदास ने इसकी संख्या 27 बताई है। तो मंद विष वाले 12, मध्यम विष वाले 3 और तीव्र विष वाले 15 होते हैं, यानी कि 12 3 15 टोटल 30 हो जाते हैं। मंद 12, मध्यम 3 और तीव्र 15। वृद्ध बागवत टैंक का जो वर्णन किया है, वर्ण उधर प्रदेश और पर्व के आधार पर हम मंद विष वाले बिच्छू को, मध्यम विष वाले बिच्छू को और महाविष वाले बिच्छू को कैसे पहचान पाएंगे? तो जो मंद विष वाले बिच्छू होते हैं इनके कलर जो होते हैं वो पीले, श्वेत, श्याव, रुक्ष, नाना वर्ण अथवा काले होते हैं। तो हमें काला याद रखना है, काले वर्ण का। उधर प्रदेश का लाल अथवा पांडु वर्ण का होता है और उधर प्रदेश के ऊपर अनेक रोम होते हैं। तो जो मंद विष वाला होता है उनके जो अनेक रोमों से युक्त और अनेक पर्व वाले होते हैं। तो जो मंद विष वाला बिच्छू है इसमें जो पर्व होते हैं उधर प्रदेश पे, यानी पर्व मतलब जॉइंट होता है, तो जो जॉइंट्स होते हैं वो कई जॉइंट्स होते हैं, तो हम पहचान पाएंगे कि मंद विष वाला है। यानी काला होगा उधर प्रदेश, लाल या पांडु वर्ण का होगा और उसमें अनेक पर्व होंगे। और जो मध्यम विष वाला होता है वो भूरे अथवा लाल रंग का होता है, उधर प्रदेश इसका काला होता है और इसमें 2 पर्व होते हैं, 3 पर्व वाला होता है। उधर प्रदेश कैसा होता है? इसमें 3 पर्व होते हैं और जो सबसे ज़्यादा विषैला होता है यानी महाविष वाला, ये ताम्र वर्ण का होता है। उधर प्रदेश इसका लाल, काला, श्वेत तीनों ही रंग आ गए, लाल, काला, श्वेत। और जो पर्व होते हैं, पर्व कितने होते हैं उधर प्रदेश में? इसके 2 पर्व होते हैं। तो मंद विष, मध्यम विष और तीक्ष्ण विष। तो सबसे पहले कलर हो गया, कलर हम देखेंगे मंद विष वाला है तो काला होगा, यानी कि काला होगा तो मंद विष वाला है, भूरा होगा या लाल होगा तो मध्यम विष वाला है और ताम्र वर्ण का होगा तो तीव्र विष वाला है। और उधर प्रदेश में कई रोम है तो मंद विष 3 पर्वों वाला है तो मध्यम विष और 2 पर्वों वाला है तो महाविष वाला होगा। चिकित्सात्मक दृष्टिकोण से बिच्छुओं के 2 भेद किए गए हैं, मान सकते हैं रुझाकर या वेदनोत्पादक और शद्योघातक। क्योंकि वृश्चिक दंश में जो वेदना होती है उसकी तुलना आमबाद से, आमबाद व्याधि में जैसी वेदना होती है वैसे ही वृश्चिक दंश में वेदना होती है।
ये विभिन्न प्रकार के वृश्चिक है। और वृद्ध बाघवट ने जो वृश्चिक दंश के जो लक्षण बताए हैं कि बिच्छू काट लेता है तो क्या लक्षण आते हैं। जब वृश्चिक दंश होता है तो उसमें स्थानिक लक्षण और सार्वदेहिक लक्षण आते हैं। स्थानिक लक्षण में क्या होता है कि जब जहाँ पे बिच्छू का दंश होता है वहाँ पे अग्नि के समान जलाता है और ऐसा लगता है जैसे कि दंश स्थान पर जलता हुआ अंगारा रख दिया गया है। उसके बाद वह विष ऊपर की ओर चढ़ता है और धीरे धीरे वह फिर दंश स्थान पर स्थिर हो जाता है। और दंश स्थान पर स्थिर हो जाता है तो दंश स्थान काला पड़ जाता है और वहाँ असह दाहक वेदना होती है, जलनयुक्त दाहक वेदना होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई स्विच उभरी जा रही है या उसे फाड़ा जा रहा है। ये स्थानिक लक्षण आते हैं। सार्वदेहिक लक्षण में जीवा में सोत हो जाना, जीवा में जड़ता, पीड़ा, स्रोतसो से कृष्ण रक्त की प्रवृत्ति, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं, स्वेद की प्रवृत्ति, शुष्कता, आरती होती है और रोगी वेदना से ग्रस्त रहता है और मांस का क्षरण होकर के अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। चरक ने इसके साध्य और असाध्य लक्षण बताए हैं कि जब यदि प्राणहरण बिच्छू ने दंश किया है तो उसके नसिका, जीवा और हृदय अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दंश स्थान है और दंश स्थान पे मांस कट कट कर गिरने लगता है और इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि प्राणी को अपने प्राणों का त्याग हो जाता है। अब वृश्चिक दंश की जो चिकित्सा आयुर्वेद में आई है तो आचार्य चरक ने वर्णन किया है इसका, वृश्चिके स्वेदम अभ्यंगम घृतेन लवणेन चा सेकाश्च उष्णान प्रयोजित भोजन पानम च सर्वसा। जिस स्थान पर बिच्छू ने दंश किया है वहाँ पे सर्वप्रथम स्वेदन करना चाहिए, उसके बाद शरीर पर घी और सेंधा नमक से मालिश करें, स्नेहन करें और उसे उष्ण औषधि जलों द्वारा शेक, परिसेक, स्नान और अवगाह कराएं और खाने पीने में उसकी पाचन शक्ति के अनुसार घी का प्रयोग कराना चाहिए। तो ये श्लोक में आया है कि उसे जो है दंश स्थान पर आपको स्वेदन करना है, घी और सेंधा नमक से स्नेहन करना और उष्ण औषधि जल द्वारा सेक, परसेक, स्नान, अवगाह और खाने पीने की चीज़ों में उसे घृत देना है जितना उसको पाचन शक्ति के अनुसार। उसके जो मंद विष, मध्यम विष और तीक्ष्ण विष आए हैं इनकी चिकित्सा अलग अलग प्रकार से बताई है आचार्य ने। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जब मंद विष वाले जो वृश्चिक होते हैं उनमें हमें स्वेदन किससे करना है, कोलू के तेल से परिषेक करना है और या फिर बिदारीगढ़ की औषधियों से सिद्ध तेल से सेक करें वहाँ पे, और श्री शादी विषहर द्रव्यों से बनाई गई उतिकारिका से वहाँ पे स्वेदन करना चाहिए या फिर विषग्न द्रव्यों को वहाँ पे बांध दें। पीने के लिए उसे क्या देना है, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नागकेसर, चतुर्जार के चूर्ण से युक्त गुड़ के शरबत को देना चाहिए उसको या फिर दूध में गुड़ को घोल कर ठंडा करके उसको पीने के लिए दें। ये जो चिकित्सा है आचार्य सुश्रुत ने बताई है, धूपन करें यानी कुसुम के पुष्प, हल्दी अथवा हल्दी और कोदरक को घी में मिला करके उसका धूपन करें। तो ये मंद विष की चिकित्सा में करना है। मध्यम और तीक्ष्ण विष की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो उग्र और मध्यम विष वाले बिच्छू होते हैं उनकी चिकित्सा सर्पदंश की भांति करनी चाहिए। और वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि पहले दंश स्थान के चारों ओर स्वेदन करना है, उसके बाद उसमें जो है गोबर से सुहाता हुआ गर्म सेक करना है और उस स्थान पे हल्दी, सेंधा नमक, त्रिकटो, सीरीज के फल और पुष्प के चूर्ण का प्रतिसारण कर देना है। तुलसी के पत्रों को बिजौरा नींबू के रस और गोमूत्र में पीस कर उसका लेप कर सकते हैं और पीने के लिए उसे घी और मधु से युक्त प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध देना चाहिए। इसके बाद कुछ और अन्य अनुभूत प्रयोग हैं जिनका प्रैक्टिकली उपयोग होता है। इसमें है कि जो गाय का घी होता है उसमें सेंधा नमक मिला करके
हम रोगी को पिला सकते हैं और दंतस्थान पर लगा सकते हैं। नागर मोती को पीसकर पानी में घोलकर उसको पीने के लिए दें और दंतस्थान पर लगाएं। चूना और नौसादर को मिला करके ये दंतस्थान पर लगा सकते हैं। जीरा और सेंधा नमक के कल्क में घी मिलाकर और मधु मिलाकर उसका गर्म सेक करते हैं और दंतस्थान को गुगलू से धोपित करके मदार के पत्तों को पीस कर लेप करते हैं। ये वृश्चिक दंश की चिकित्सा है। वृश्चिक दंश की चिकित्सा में हमने देखा कि ऑलरेडी इसमें पेशेंट जो है उसको अग्नि के समान जलन हो रही, दाह हो रहा, और उसमें स्वेदन चिकित्सा या गर्म चीज़ों का ही उपयोग किया जा रहा है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन में भी आता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो श्रीस आया है, श्रीस का प्लांट ऐसा दिखता है। श्रीस विषक द्रव्यों में श्रेष्ठ है। नागर मोथा है। चिरचिटा आपा मार की जड़ का उपयोग बताया गया है। वृश्चिक दंश में नौसादर का उपयोग बताया गया है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।